फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हम कुरान शरीफ का कवर और जिलेदान भी बोलते हैं, तो वो बनाना सीखेंगे। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने नॉर्मल ये ब्रोकेड का कपड़ा लिया है। इससे काफी सुंदर हमारा कवर बनकर रेडी होगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधे मीटर का कपड़ा लिया है। आधे मीटर के कपड़े में काफी अच्छा खासा आपका जिलेदान बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे और आप कुरान शरीफ ले लीजिए जिसका भी आपको जिलेदान बनाना है। और ये देखिए किनारी वाली साइड है, इसको आपको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखना है, बिल्कुल तिरछा करके थोड़ा सा आगे करते हुए। और ये जो हमारा कोना है इसके ऊपर से इस तरीके से आपको पकड़ना है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उंगली का आपको स्पेस छोड़ना है। इस तरीके से आप नाप सकते हैं इसे, ये इतना आपका यहाँ पर छूटा हुआ स्पेस रहना चाहिए। और दूसरी साइड से भी इस कोने से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको भी मिलाएंगे। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। हमने दो साइड की तरफ नाप लिया है। अब इस वाली साइड की आपको लंबाई नापनी है। तो ये देखिए ये पूरी हमारी तैयार 19 इंच आ रही है। अब इस साइड की तरफ से भी हमें 19 इंच ही नापना है। इस तरीके से नापेंगे लंबाई और यहाँ पर निशान लगा लेंगे सीधा। अब कुरान शरीफ को आप हटा दीजिए और पूरे में हम 19 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तीन साइड से देखिए हमने इसे बराबर कर लिया है। अब इस वाली साइड से भी हम 19 इंच नापेंगे इस तरीके से और इधर से भी सीधी लाइन खींचते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये चौकोर शेप का कपड़ा आ जाएगा। अब हमें इसे सिलाई कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा पैटर्न बन के तैयार होगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। तीन साइड से ये हमारा ऐसे दिखाई देगा और एक साइड से ये इस तरीके से खुला होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमें कहाँ से इसको मोड़ना है और कहाँ से हमारा पार्ट खुला रहेगा। तो जो पार्ट हमारा खुला रहेगा उस तरफ हमें ये निशान लगाने हैं। इस तरीके से मैं क्रॉस के निशान लगा लूंगी दोनों साइड की तरफ। अब हम इसे खोल देंगे। तो देखिए ये जो हमारी दोनों साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और ये दो बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से ऐसे ही हमको मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। देखिए दोनों साइड्स हमने मोड़ लिए हैं। अब हमें अपना ये बीच वाला पैटर्न बनाना है। तो देखें कपड़े को इस तरीके से उल्ट सीधा कर लेंगे और बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। दोनों के किनारे वाले साइड्स आपको मिलाने हैं और ये देखें इस तरीके से हमने मिला लिए। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें। ये सिलाई देखिए हमने लगा ली है। अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको। अब हमें दूसरी वाली साइड की सिलाई लगानी है, इसको भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये भी सिलाई हमने लगा ली है। अब पूरे जिलेदान को हमें सीधा करना है और इसके कोने वगैरह भी हमें अच्छे से निकालने हैं। कोने हमने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो हमारा नोक वाला पार्ट है यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर हमें लंबी पट्टी लगानी है। तो हम सेम कलर के कपड़े से पट्टी कट करेंगे। तो ये देखिए हमने सीधे कपड़े से बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने 1.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई देखिए 14 इंच आ रही है फोल्ड करने के बाद और ये खोलकर हमारी आ जाएगी 28 इंच। अब देखिए पट्टी को हम जैसे हमारा नारा यानी कि कमरबंद होता है उसको फोल्ड करते हैं, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से हमने फोल्ड किया और बीच में से, जिससे कि जो हमारे रॉ एजेस हैं वो छिप जाएं। तो
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा। कपड़े की सीधी पट्टी देखिए हमने बनाकर रेडी कर ली है और इसके नीचे बेल लगाने के लिए हमने अलग से कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई देखिए हमने करीब 4.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई भी आपको 4.5 इंच लेनी है, तो एक चौकोर कपड़ा आपको ले लेना है। इसको देखिए हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पट्टी को इस तरीके से रखना है और अब इस ऐसे इसको हमें अब इसको बीच में से ऐसे हमें फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिलाई कैसे लगानी है, सिलाई हमें इस तरीके से तिरछी करते हुए लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर देनी है। और अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इस पट्टी को हमें अपने जिलेदान से अटैच करना है। ये जो कोना है इसके ऊपर आपको सिंपल इस तरीके से रखना है। पट्टी को अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे और यहां पर एक 2-3 बार पक्की सिलाई कर लेंगे। पट्टी देखिए हमने जिलेदान से अटैच कर दी है और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें कुरान शरीफ रख के दिखाती हूँ। बहुत ही एहतियात के साथ। और ये देखिए कितनी फिक्स हमारा ये इस तरीके से बन गया है जिलेदान और उसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये देखें। और इसके साथ ही साथ मैंने कुरान शरीफ का ये देखिए मैंने कवर को इसके ऊपर अच्छे से पहना दिया है कुरान शरीफ को। ये देख सकते हैं आप, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम हमेशा ईद पर नए कपड़े तो बना लेते हैं बट कभी भी कुरान शरीफ के ये जिलेदान और इस तरीके से ये बनाना भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं इसका कवर और इसी का मैच करता हुआ हमने ये इसका जिलेदान बनाया है। ये पूरा एक सेट बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं आपको इसके अंदर पहना कर दिखाती हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरीके से लगेगा। बहुत ही सुंदर हमारा ये पूरा सेट बनकर तैयार हुआ है। और ये जो मैंने अंदर वाला कवर बनाया है ये आप किसी भी किताब के लिए, कोई भी आपकी बुक है उसके लिए बना सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि ये मैंने कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, केवल ये 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं अंदर से इस तरीके से है और फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से ये आपका बिल्कुल मिक्स एंड मैच करता हुआ बनेगा। बहुत ही खूबसूरत, आप किसी भी कपड़े से इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज।